a node in single link list. ठीक है, अब सिंगल लिंक लिस्ट में तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं नोड को इंसर्ट करने की. ठीक है, अब पहली पॉसिबिलिटी ये है कि हम इंसर्ट करें नोड को, इंसर्ट अ नोड इन द स्टार्ट या एट द स्टार्ट, एट द स्टार्ट ऑफ द लिस्ट. ठीक है, ठीक है. और दूसरी जो पॉसिबिलिटी होती है वो ये होती है कि इंसर्ट अ नोड एट द एंड. ठीक है, ऑफ द लिस्ट. और थर्ड जो पॉसिबिलिटी है वो ये है, इंसर्ट अ नोड इन द मिडल. मिडल कह लें या किसी पोजीशन पे कह लें. ठीक, अब पहली पॉसिबिलिटीज को, पॉसिबिलिटी को ज़रा डिस्कस करते हैं. फर्स्ट कह रहे हैं हमारे पास लिंक लिस्ट है, इसका नेक्स्ट पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहे हैं, इसका नेक्स्ट पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहे हैं, नेक्स्ट नोड को, इसका नेक्स्ट पॉइंटर इसको पॉइंट कर रहे हैं, और इसका जो नेक्स्ट पॉइंटर है वो नल है. फर्ज करें इसमें वैल्यूज़ हैं 90, 80, 70, 60, और ये पॉइंट कर रहा है हेड, इसको पॉइंट कर रहा है. ठीक है, हेड का पॉइंटर. ठीक है, नॉर्मली हमने इसी तरह इसको पढ़ा. ठीक है, तो अगर हम स्टार्ट में एक नोड को लाना चाह रहे हैं, ठीक है, इसका मतलब है कि हम यहाँ पे एक नोड इंसर्ट करना चाह रहे हैं. ठीक है, जो पॉइंट करेगा इसको, ठीक है, जो इसको पॉइंट करेगा, यानी जिस जो इसको पॉइंट करेगा. ठीक है, और हेड को हम यहाँ मूव कर देंगे. ठीक है, तो बड़ा सिंपल सा कोड है. ठीक है, हमने क्या किया, एक न्यू नोड बनाया. ठीक है, दिस इज़ न्यू नोड. ठीक है, और न्यू नोड इसको पॉइंट कर रहे हैं. ठीक है, ठीक है, ठीक है. तो आपको पता है कि हम लिस्ट का एक स्टैटिक न्यू नोड का पॉइंटर बनाएंगे, इज इक्वल टू न्यू लिस्ट कर लेंगे. ठीक है, तो एक न्यू नोड बन गया. ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, न्यू नोड को के नेक्स्ट को हेड का एड्रेस दे देंगे. ठीक है, हेड इसको पॉइंट कर रहे हैं ना, तो न्यू नोड के नेक्स्ट को अगर हम हेड का एड्रेस दे दें, तो चूंकि हेड के पास इसका एड्रेस है तो ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा. ठीक है, हेड के पास कौन सा एड्रेस है, इसका एड्रेस है 0x4046, ये इसके पास है 0x4046. अगर आप न्यू नोड के नेक्स्ट को हेड का पॉइंटर दे दें, हेड का एड्रेस दे दें, तो न्यू नोड का नेक्स्ट ये है. ठीक है, ये इसके पास एड्रेस आ जाएगा 0x4060, जो अब इसको पॉइंट कर रहा है. ठीक है, इसका अपना एड्रेस कुछ और हो सकता है. ठीक है, वो हम हेड को दे देते हैं ताकि हेड पर उसे पॉइंट करना शुरू कर दे. ठीक है, कैसे, हम हेड को एड्रेस दे रहे हैं, हेड को एड्रेस दे रहे हैं किसका, न्यू नोड का. वेरी राइट, न्यू नोड का.
इस तरह क्या होगा कि हेड के पास पहले एड्रेस इसका था, तो जब न्यू नोड का एड्रेस आएगा तो हेड फिर इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल इसका एड्रेस है 0x9096, वो हेड के पास चला जाएगा। अब ये ओवरराइट हो जाएगा, इसके पास हो जाएगा 0x9096, तो अब हेड इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, ठीक है। आल दो बाकी जो हैं जो आर्गूमेंट के तौर पे वैल्यूज़ आई होंगी और या जो कंडीशन हमने अप्लाई की होगी वो सारी की सारी अप्लाई होंगी, ठीक है। वही वाली जो हमने लास्ट टाइम पढ़ी थी कि इफ़ हेड इक्वल टू नल हो तो क्या करना चाहिए, ठीक है। और बाकी की जितनी कंडीशंस हैं, यानी यानी न्यू नोड के डेटा में जो भी आर्गुमेंट आ रहा है वैल्यू वो भी डालनी है। तो ये दो तीन काम जो है वो पिछले कोड में ऐसे ही है, बेसिक काम ये है जो आपने करना है, ठीक है। इस काम से क्या होगा, इस काम से क्या होगा कि आपका जो नोड है वो स्टार्ट में इंसर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है, दूसरी पॉसिबिलिटी यह है कि इंसर्ट अ नोड एट द एंड ऑफ लिस्ट। अब क्या करना है, दूसरी पॉसिबिलिटी में हमने नोड को इंसर्ट करना है एट द एंड ऑफ लिस्ट, लिंक लिस्ट के एंड में हमने इंसर्ट करना है, ठीक है। तो एंड पे इंसर्ट करने के लिए मैं दोबारा लिंक लिस्ट बनाता हूँ, ठीक है। 60 70 70 इज़ द डेटा ऑफ लिंक लिस्ट, 80 एंड 90, ठीक है। दिस इज नल एंड हेड इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स फर्स्ट नोड, ठीक है। अब हमने कहाँ इंसर्ट करना है, यहाँ पे एंड पे, ठीक है। तो जो भी हम न्यू नोड क्रिएट करेंगे, वो एंड पे, लेकिन एंड पे हमने अपने पॉइंटर की पोजीशन को लेके जाना है। जब तक हम एंड पे नहीं लेके जाएंगे तो लिंक लिस्ट का एंड हमें जब तक नहीं पता लगेगा तो हमें नहीं पता लगेगा कि कहाँ पे हमने इंसर्ट करना है न्यू नोड को, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, एक लूप लगाएंगे जो हमें ट्रैवर्स करेगा लिंक लिस्ट को फ्रॉम द फर्स्ट नोड टू द लास्ट नोड। जैसे कि हमें पता है कि पूरी लिंक लिस्ट को एक्सेस ही आप सिर्फ हेड से कर सकते हैं, ये बिल्कुल जैसे मैंने पहले भी मिसाल दी थी कि आपके पास ये पूरी चेन है एंड यू कैन होल्ड द चेन ओनली विद द हेड पॉइंटर, राइट। सो इफ़ यू कैन होल्ड द चेन ओनली विद द हेड पॉइंटर देन यू हैव टू मूव योर पर्टिकुलर पॉइंटर फ्रॉम हेड टू द लास्ट नोड सो दैट यू कैन इंसर्ट योर नोड एट द एंड ऑफ द लिस्ट, राइट। सो मैं एक लूप लगाऊंगा, ठीक है, वाइल लूप, और मैं जो है जो टेम का मैंने पॉइंटर बनाया है जो मुझे यहाँ से आगे मूव करके लेके जाएगा, उसका जो नेक्स्ट है जब तक वो नल नहीं होता मैं मूव करता रहूँगा, ठीक है। क्या करूँगा, मैं टेम्प का नेक्स्ट देता रहूँगा, अगला एड्रेस अगला अगला मूव करता रहूँगा, ठीक है। अब मैं आखिर में आ गया हूँ। एक चीज़ और आपने नोट की होगी, अगर आप पुराना ट्रैवर्सल का कोड उठा के देखें तो वहाँ पे और यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा है टेम्प का नेक्स्ट जब तक नल नहीं होता, जबकि उस पुराने कोड के अंदर अगर आप गौर से देखें तो पुराने कोड के अंदर लिखा हुआ है टेम्प जब तक नल नहीं होता, ठीक है। आपको याद आया, ये रिकॉल हुआ जब हमने ट्रैवर्सल का कोड पढ़ा था, तो उसमें हमने कहा था कि जब तक टेम्प नल नहीं होता आप आगे मूव करते। लेकिन यहाँ क्या वजह है कि हमने टेम्प के नेक्स्ट को यूज़ किया है, उसकी वजह यह है कि हम इस पॉइंटर को यहाँ से मूव करा के यहाँ पे होल्ड करवाना चाह रहे हैं। हम टेम्प को यहाँ पे होल्ड करवाना चाह रहे हैं क्योंकि इसका नेक्स्ट अगर नल हो गया तो फिर टेम्प नल हो जाएगा। तो टेम्प अगर नल हो गया तो हम टेम्प के नेक्स्ट को इसका एड्रेस नहीं दे सकेंगे, तो इसलिए हमने इसको यहाँ पे होल्ड किया। अब मिसाल के तौर पर ये ट्रैवर्स कैसे होगा, अब देखें इसका एड्रेस है फॉर एग्ज़ाम्पल 0x3636,
वो यहाँ पड़ा हुआ है, इसका एड्रेस है 0x4646, इसका एड्रेस है 0x5666 और इसका एड्रेस है 0x8696। ये मैंने फर्जी एड्रेसेस को दे दिए हर नोड को, ठीक है। तो फ़र्ज़ करें अगर आप टेम्प को शुरू करते हैं तो टेम्प को आप सबसे पहले क्या करेंगे, टेम्प को हेड का एड्रेस देंगे, ठीक है, यहाँ से शुरू करेंगे। चेन को तो यहाँ से आप होल्ड कर सकते हैं, तो अपने टेम्प को यहाँ से पकड़ा, हेड का एड्रेस दे दिया इसको टेम्प को। अब टेम्प के पास हेड है, अब आप कह रहे हैं टेम्प का नेक्स्ट जब तक नल नहीं होता आप मूव कर दें, तो टेम्प कहाँ चला जाएगा, टेम्प यहाँ आ जाएगा, ठीक है, ठीक है, इस की एग्जीक्यूशन के बाद, इस लाइन की एग्जीक्यूशन के बाद, ठीक है। फिर टेम्प का नेक्स्ट नल नहीं है तो टेम्प यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर टेम्प का नेक्स्ट नल है तो टेम्प यहाँ आ जाएगा, तो टेम्प यहाँ होल्ड कर रहा है, ठीक है, टेम्प इज हियर नाउ, राइट। अब टेम्प के पास एड्रेस क्या है, 0x3636, ये एड्रेस है टेम्प के पास। अब आप क्या कह रहे हैं उसको, आप कह रहे हैं अब आप लूप से बाहर आ गए क्योंकि आप उस पर्टिकुलर पोजीशन पे पहुंच गए। अब आप क्या कह रहे हैं, आप कह रहे हैं कि टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको आप एड्रेस दे दें न्यू नोड का, ये न्यू नोड आपने बनाया हुआ है, ठीक है। और ये आपको पता है कैसे बनाया आपने, ठीक है, ये आपने बनाया था ऐसे, आपने कहा था कि लिस्ट स्टेरिक न्यू नोड इक्वल टू न्यू नोड न्यू लिस्ट, ठीक है, न्यू लिस्ट, ठीक है। तो इस तरीके से आपने एक न्यू नोड बनाया था, ये न्यू नोड यहाँ मेमोरी में पड़ा हुआ, ठीक है। तो आपने कहा कि टेम्प मेरे पास यहाँ आ गया, टेम्प का जो नेक्स्ट है उसको न्यू नोड का एड्रेस दे दो, तो ये फिर नल तो नहीं रहा ना, अब ये नल नहीं रहा, ये इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया, ठीक है, तो इसने इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया, ठीक है, इसमें डाटा डाल दें जो भी, ठीक है। अब इसका एड्रेस भले क्या था, इसका एड्रेस था फॉर एग्जांपल 0x7676, ये अब इसके पास आ गया, इसके नेक्स्ट में यहाँ आ गया ये एड्रेस, ठीक है, 0x7676 यहाँ आ गया, ठीक है। तो ये अब इसको पॉइंट करना शुरू कर दिया। अब आपने क्या कहना है, आपने न्यू नोड के नेक्स्ट को नल करना है, इसको नल करना है क्योंकि ये तो अब नल नहीं रहा, और आपको पता है कि लिंक लिस्ट जो एंड होती है वो आखिरी नोड के नल होने पे होती है। तो आप क्या कहेंगे, आप कहेंगे कि जो न्यू नोड है उसका जो नेक्स्ट है उसको नल कर दें, ठीक है, तो ये नल हो गया। तो अब क्या हो गया, फर्ज करें आपने इसमें वैल्यू भी डाल दी थी 100, ठीक है, ठीक है, कैसे डाली थी आपने, आपने न्यू नोड के डेटा में जो भी आर्गुमेंट वैल्यू का पास किया था वो उसको साइन होगी, उसमें आपने 100 पास किया है तो 100 जो साइन पास हो गया, ठीक है। तो ये है हमारा न्यू नोड को इंसर्ट करना एट द एंड, ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर हो गया होगा होपफुली। अब हमारे पास जो है ये हमारा सेकेंड पेज है, ठीक है। अब हम देखते हैं थर्ड जो सिनेरियो है वो है इंसर्ट नोड इन द मिडल या किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे, ठीक है। तो लेट मी क्रिएट अगेन अ लिंक लिस्ट ताकि आपको समझ आए, ठीक है, वही वाली लिंक लिस्ट 60 70 80 90, और हेड जो है बेसिकली इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। तो बेसिकली क्या है, हमें ट्रैवर्स करके उस पर्टिकुलर पोजीशन पे जाना है सबसे पहले, ठीक है। तो क्या करेंगे हम एक वाइल लूप लगाएंगे, ठीक है, और टेम्प जब तक उस पर्टिकुलर पोजीशन पे नहीं आ जाता जो हमने उसको बताई है, ठीक है,
तो वो टेम्प को मूव करता रहे। ठीक है, अब फर्ज करें यहाँ पे हमने नोड इंसर्ट करना है। ठीक है, ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने टेम्प को मूव करना है उस पर्टिकुलर लोकेशन पे। ठीक है, मसलन हमें क्या करना है, हमने इस नोड के एड्रेस को सेव करना है ताकि फ़र्ज करें अगर टेम्प यानी टेम्प यहाँ पहुँच जाता है, ठीक है, तो अगर फ़र्ज करें ये नोड इसको पॉइंट करना शुरू कर दे, ठीक है, तो यहाँ से लिंक इसका ख़त्म हो जाएगा। तो हम नहीं चाहते कि जब टेम्प इसको यानी ये वाला टेम्प जब इस न्यू नोड को पॉइंट करे, दिस इज़ न्यू नोड, तो हम ये वाला लिंक लॉस्ट कर जाए। वी डोंट वांट टू लॉस्ट दिस लिंक, क्योंकि अगर ये लॉस्ट कर गए तो ये रिमेनिंग लिंक लिस्ट जो है सारी की सारी वो इससे डिसकनेक्ट हो जाएगी, राइट, तो लिंक लिस्ट मेंटेन नहीं रहेगी। तो हम क्या करेंगे, हम एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे, ठीक है, जो स्टोर करेगा इस पर्टिकुलर नोड के एड्रेस को। ठीक है, तो फर्ज करें इस यहाँ पे हम एक वेरिएबल है स्टोर के नाम से, ठीक है, दिस स्टोर वेरिएबल इज़ बेसिकली टेकिंग केयर ऑफ द एड्रेस ऑफ दिस पर्टिकुलर नोड। ठीक है, तो हम इस स्टोर जो है उसको टेम्प का नेक्स्ट यानी टेम्प का जो नेक्स्ट है वो हम स्टोर कर देते हैं स्टोर में, यानी स्टोर एक वेरिएबल है जिसमें हमने इस, क्योंकि टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प का नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा है, तो ये एड्रेस हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है, तो हम वो इस वेरिएबल के पास स्टोर कर रहे हैं। तो अब स्टोर जो है बेसिकली वो इसको पॉइंट कर रहा है, टेम्प इसको पॉइंट कर रहा है, गेटिंग, स्टोर इज पॉइंटिंग टू टूवर्ड्स दिस लिंक लिस्ट दिस नोड एंड टेम्प इज पॉइंटिंग टूवर्ड्स दिस नोड। ठीक है, और न्यू नोड जो है आपका वो दैट इज़ क्रिएटेड, ऑलरेडी क्रिएटेड। ठीक है, और हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे क्या कि टेम्प के नेक्स्ट में हम एड्रेस न्यू नोड का डाल देंगे। ठीक है, टेम्प के नेक्स्ट में न्यू नोड का एड्रेस डाल देंगे, तो ये वाला जो नोड है वो इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा। ठीक है, और न्यू नोड के नेक्स्ट में हम स्टोर का एड्रेस डाल देंगे। ठीक है, यानी न्यू नोड के नेक्स्ट में हमने एड्रेस डाल दिया स्टोर का। ठीक है, ठीक है, तो अब न्यू नोड का जो नेक्स्ट है वो इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा उसी पोजीशन के ऊपर। तो ये वेरिएबल जो हमने क्रिएट किया है ये इस लिहाज से इम्पॉर्टेंट है कि हम इस पर्टिकुलर नोड के एड्रेस को लॉस्ट ना करें, क्योंकि अगर हम इसको कहीं खो देंगे तो ये लिंक इसके साथ इस्टेब्लिश नहीं हो पाएगा। ठीक है, समझ आ रही बात, अब देखिए मैं आपको समझाता हूँ कि टेम्प मूव करते करते यहाँ आ गया, अब टेम्प के पास इसका एड्रेस है। ठीक है, फिर आपने कहा कि एक नया वेरिएबल क्रिएट किया, टेम्प के नेक्स्ट को एड्रेस उसको दे दिया, जब आपने नया वेरिएबल क्रिएट किया टेम्प का नेक्स्ट इसको पॉइंट कर रहा था, तो पहले आपने स्टोर को इसका एड्रेस देना है फिर टेम्प के नेक्स्ट को इसका एड्रेस देना है। अगर इसमें इसके ऑर्डर में कोई गड़बड़ कर दी, पहले ऑर्डर में आपने क्या करना है कि जो स्टोर है इसको टेम्प का नेक्स्ट देना है। ठीक है, यानी जो इसका एड्रेस है वो इसके पास सेव हो जाएगा। टेम्प के नेक्स्ट के पास क्या है इस वक्त, फर्स्ट करें इसका एड्रेस है 0x2020, ये यहाँ पड़ा हुआ है, 0x2020 यहाँ पड़ा हुआ है। ठीक है,
और टेम के पास इसका एड्रेस है और इसका एड्रेस है 0x4040, ये टेम के पास है, ठीक है। और टेम का नेक्स्ट क्या है, 0x2020। आपने स्टोर को जब 0x2020 दे दिया तो स्टोर फिर इसको पॉइंट कर रहा है, ठीक है। जब स्टोर का एड्रेस इसको पॉइंट करना शुरू कर दे फिर बेशक आप टेम के नेक्स्ट को इसका एड्रेस दे दें। अब न्यू नोड का एड्रेस है फॉर एग्जांपल 0x7070। यहाँ ओवरराइट करने से पहले इस एड्रेस को स्टोर करना ज़रूरी है, तो जब आप इसको ओवरराइट करेंगे तो ये वाला एड्रेस आपसे आपके पास स्टोर होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो आपने क्या किया, 0x7070 इसको दे दिया और ये वाला एड्रेस बेशक अब ओवरराइट हो जाए क्योंकि ये यहाँ पे सेव है, ठीक है, क्योंकि इसको पॉइंट कर रहा है। अब आपने टेम के नेक्स्ट को ये एड्रेस दे दिया तो ये इसको पॉइंट करना शुरू कर देगा, और न्यू नोड के नेक्स्ट को आपने स्टोर का एड्रेस दे दिया तो ये इसको पॉइंट करना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप जो सा है इंसर्ट अ मिडल या किसी पर्टिकुलर पोजिशन पर इंसर्ट कर सकते हैं, ठीक है जी। तो ये था बेसिकली नोड को इंसर्ट करना किसी पर्टिकुलर पोजिशन के ऊपर, ठीक है।